अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेकंड पार्ट। लास्ट में हमने कैनवास एंड बैकग्राउंड को देख लिया था कि आप किस तरह से कैनवास और बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड एक सिलेक्ट है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यही वाला बैकग्राउंड रख लेता हूँ, सिंपल वाला बैकग्राउंड। एंड नाउ मैं म्यूज़िक पर क्लिक करता हूँ, म्यूज़िक पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये म्यूज़िक में हम क्या क्या हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले जैसे ये लोड होता है तो इसमें हमारे पास ट्रैक्स का ऑप्शन है, देन इफ़ेक्ट्स का एंड देन रिकॉर्ड का। इन सब के फीचर्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारे पास ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इन शॉट का जो इन बिल्ड ऑडियो है वो हमें शो करा रहा है। सारे एक एक फोल्डर्स बने हुए हैं, एक फ़ोल्डर में 8 ट्रैक्स हैं, एक में 6 ट्रैक्स हैं, 7 ट्रैक्स हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 16 हैं, 14 हैं, 15 हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्सन को एक लोड कर लेता हूँ, ये फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें से मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ ट्रैक्स, ये लाइव वाली। ये सारी ट्रैक्स वगैरह आप अपनी वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर सकते हो, जो YouTube की तरफ से कॉपीराइट में नहीं आएंगी। ठीक है, इसके बाद मैं माई म्यूज़िक पे आ जाता हूँ। माई म्यूज़िक में आता हूँ, सबसे टॉप पे हमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो वीडियोस होती हैं हम उससे बैकग्राउंड म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास जो मोबाइल गैलरी में सेव हैं वीडियोज़ उनका वो आ रहा है ऑप्शन, मैं इसको क्लिक करता हूँ। एक को फ़नी है, इसको जैसे मैं टिक पे क्लिक करूँगा तो इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक लोड होगा, मतलब उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और अपने मेन थीम की तरफ आते हैं। उसके बाद जो मैंने गैलरी में सेव्ड की होंगे म्यूज़िक्स वगैरह जो भी होगा, या अपने फ़ोन के रिकॉर्डर के साथ ऑडियो रिकॉर्ड किया होगा वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा, और जो डाउनलोड किए होंगे वो भी यहाँ पे म्यूज़िक शो हो जाएंगे मुझे। ठीक है, ये सारे ऑडियो वगैरह यहाँ पे मुझे शो हो जाएंगे। तो इनमें से भी मैं किसी ऑडियो को क्लिक करके लोड कर सकता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने कर लिया लोड, इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब इसको मैं प्ले करता हूँ तो देखिएगा ज़रा। एक्चुअली यहाँ पे जो साउंड है वीडियो का और ऑडियो का मिक्सअप हो रहा है, तो मैं वीडियो का साउंड वॉल्यूम 0 कर देता हूँ ताकि आप ऑडियो को सुन सकें। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ऑडियो लोड किया था वो प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में। अब इस ऑडियो को मैं एडिट कर सकता हूँ, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो ट्रिम करने का ऑप्शन दे रहा है। मैं स्टार्ट से ऑडियो डालना चाह रहा हूँ, एंड से डालना चाह रहा हूँ, जहाँ से डालना चाह रहा हूँ, इसका वॉल्यूम कितना रखना चाह रहा हूँ, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारे फीचर्स वो हमें दे रहा है यहाँ पे इसके म्यूज़िक वाले में। इफ़ेक्ट्स में अब हम आ जाते हैं। इफ़ेक्ट्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह, जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स पे ही क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके साउंड्स वगैरह हमें शो कराएगा। ये देखो, इस तरह के सारे ट्रांजेक्शन्स, वेपन ट्रांजेक्शन्स,
गेम ट्रांजेक्शंस, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांजेक्शंस, लाफ्टर्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इफेक्ट्स में मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, अब यहाँ से मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्ड का, अगर मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को रिकॉर्ड करके और वीडियो के ऑडियो के बैकग्राउंड में चला सकूँगा। ठीक है, ये था हमारे पास म्यूज़िक वाले फोल्डर में इसका। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी।